So now we'll check for the analysis. You can do and click on run, and we are having an option run analysis. But run analysis करने से पहले एक आदत याद रखना कि आपने load combination load patterns final कर रखे हो. Iterations में भी same आदत होनी चाहिए और यहाँ पे भी same वो आदत बना के रखना, क्योंकि हमारा है. तो I'll just click run analysis. आप लोग करोगे तो अगर आपने save नहीं किया तो it will ask you to save it, है ना? अभी हम अपना save है तो इसने सीधा analysis. Now you can see there is a diagram in front of you. थोड़ा सा रंग बिरंगा डायग्राम आया, ठीक है. We are having colors. We are also having a color table, or you can say a chart on the right hand side. And on the top of the box, it's written deform shape displacements dead. Dead loads के according क्या है? Displacements दे रखा है इसने, किसका? Slab का. Slab कितना displace होगी dead load की वजह से, वो दे रखा है. तो या तो आप इसको थोड़ा सा zoom कर लेते हैं, या तो आप कर्सर जहां पे भी आपको displacement देखना है कि कितना आपका slab displace हो रहा है, वहां जाके कर्सर रख सकते हो. जैसे आप इस रीजन में मैंने कर्सर रखा था, लिखा है -6.046 mm, ठीक है. तो -6 अराउंड mm क्या हो रहा है? वो डाउन हो रहा है. अगर आप बीच में रेड वाले एरिया में सेंटर पे जाते हो तो -6.09 है, दूर जा रहे हो तो -6.04, एकदम कॉर्नर पे जाते हो तो -6.0, ठीक है. ऑन द राइट हैंड साइड आप कलर से भी देख सकते हो. अगर आपको रेड एरिया का देखना तो आप रेड एरिया का देख सकते हो, -6.08 है. आपको ध्यान हो तो अलाउबल सेटलमेंट हमारा कितना था? 1 cm, और ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है? -6.08 mm, ठीक है. दैट इज क्वाइट इन सेफ रीजन, ठीक है. तो आप वैसे भी इन चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है. नाउ ये डेड के लिए, अगर आपको लाइव के लिए देखना है या कॉम्बिनेशन के लिए देखना है तो यू कैन गो टू डिस्प्ले एंड देन यू गो टू शो डिफॉर्म शेप, है ना. मैं इस विंडो को थोड़ा साइड में कर देता हूँ. अभी डेट सेलेक्ट है, मैं इसमें लाइव सेलेक्ट कर देता हूँ. प्रेस अप्लाई, तो आप देख सकते हो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है ना. डिफॉर्मेशन लाइव के हिसाब से अलग है. अब मैंने आपको पहले बताया हम लोग डेड लाइव के लिए कम देखते हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए ज्यादा देखते हैं. क्लिक लोड कॉम्बिनेशन, हमारे पास देखो 2 कॉम्बिनेशन है. अभी देखो ये आदत मैंने डालने के लिए तुमको इसलिए बोला था, दैट इज 1.5 DL + LL. अगर तुम लिखोगे तो यहाँ पे तुमको क्या होगा समझने में आसानी होगी कि अच्छा ये 1.5 वाला है, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला है, और ये जो DL + LL है ये सर्विस लोड वाला, ठीक है. अगर यहाँ पे comp1, comp2 लिखा होता तो ऑब्वियसली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. और जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें अर्थक्वेक वगैरह भी आ रहा होता है, सब कुछ आ रहा होता है, तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़ जाते हैं, 14 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, तो अपन याद करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है. तो ट्राई टू राइट लाइक दिस, ठीक है ना, 1.5 DL + LL. तो लेट्स से मैं एक बार अल्टीमेट के लिए लिखता हूँ, आई विल क्लिक अप्लाई. तो आई कैन सी जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो रहे हैं. लगभग यूनिफॉर्म ही है सब जगह, -12.5 है और दूसरी जगह -12.4 है, कोई कम नहीं है बाहर की तरफ, सेम, ठीक है ना. 0.1 mm में कुछ हमारा क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है. नाउ वी आर हैविंग DL + LL, आई विल क्लिक अप्लाई. यू कैन सी 8.24. अभी आप तुम यहाँ देख सकते हो 1.5 DL में कर रहा हूँ, तो वी आर गोइंग अबाउट द अलाउबल सेटलमेंट, -12.4 में जा रहे हैं. और ध्यान रखना सेटलमेंट और डिस्प्लेसमेंट आर क्वाइट डिफरेंट. जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारे स्लैब का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो टॉप से लेके बॉटम तक का पूरा बताया होगा. That is not compromising of the total settlement here. और होगा भी तो shear punching में वो अपन को बता देगा कि हमको क्या improve करना, ठीक है. So you can check for also DL plus LL. That is for your DL plus LL अपना उसका था ना, क्या बोलते हैं, service loads के लिए, ठीक है. तो service loads के लिए भी आप लोग इसको देख सकते हैं. You can just hover your cursor over the points and you can also check by this, ठीक है ना. So this was the analysis. Combinations के live के लिए भी देखना चाहो तो वही डिस्प्ले में जाना एंड गो टू शो डिफॉर्म शेप्स एंड लोड केसेस में जाके आप लोग लाइव पे क्लिक कर देना एंड प्रेस अप्लाई, ठीक है. मैं साइड में आ जाता हूँ तो आपको वैसा लोड हो जाएगा. तो यू कैन चेक इट. मैंने आपको जैसे बोला है वी विल ऑलवेज गो फॉर दी कॉम्बिनेशन, ठीक है. नाउ वी आर हैविंग एन अनदर ऑप्शन इन द बॉटम, दैट इज स्टार्ट एनिमेशन, ठीक है. स्टार्ट एनिमेशन हो सकता है थोड़ा सा ऑडियो चलाए, और एनिमेशन देखने से पहले आपको एक बार 3D में आना पड़ेगा. सर ये क्या बताएगा एनिमेशन में? ये एनिमेशन में बताएगा स्लैब का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. क्या बताएगा? स्लैब का डिस्प्लेसमेंट, स्लैब कितना डिस्प्लेस हो रही है ऊपर से नीचे. तो मैं स्टार्ट एनिमेशन करता हूं. और यू कैन सी स्लैब हमारी ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ इधर साउंड भी चल रहा था. आई डोंट नो आपको साउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसके साथ में एक साउंड चलता है. और आप देख सकते हो कि कुछ ज्यादा डिस्प्लेस हो रही है ऊपर नीचे, है ना. पर वो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली एमएम में ही है, पर सेफ हमको क्या उस स्केल से दिखाना चाहता है कि मैं कितना डिस्प्लेस हूंगा. तो दैट्स व्हाई वो थोड़ा आपको स्केल बड़ा दिखता है, ठीक है ना. वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग सिर्फ वैल्यू से ही कंसर्न होते हैं ना. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस. और भी बहुत सारी एनालिसिस की चीजें आप इसमें कर सकते हो. जैसे डिस्प्ले में जाके आप लोग देख सकते हो शो रिएक्शन फोर्सेस या शो स्लैब फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस पे क्लिक करके. अब आप देख, अगर जैसे ये टैब है, दिस टैब इज, मैं पीछे एक बार प्लान पे चले जाता हूँ, ठीक है.
तो प्लान पे अपने को सही से दिखेगा। तो ये टैब हमसे क्या क्या पूछ रहा है, क्या कौन से लोड केस के लिए देखना, लेट्स से लोड कॉम्बिनेशन के लिए देखते हैं अपन 1.5 डीएल प्लस एलएल के लिए। एंड डिस्प्ले ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस है, इनके साथ खेलना, यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। डिस्प्ले कंटूर्स ऑन डिफॉर्म शेप या अनडिफॉर्म शेप जो भी है, कंटूर रेंज वगैरह छोड़ दो। कंटूर रेंज मतलब ये जो लाइंस दिख रही है आपको, जैसे येलो कलर की एक लाइन है, फिर ऑरेंज है, दीज आर द कंटूर्स। देन कंपोनेंट टाइप क्या चाहिए आपको, रिजल्टेंट फोर्सेस चाहिए या स्ट्रेसेस टॉप फेस पे चाहिए या स्ट्रेसेस मिड सरफेस पे चाहिए या स्ट्रेसेस बॉटम सरफेस पे चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान है स्लैब थोड़ी थिक है हमारी, 500 mm की स्लैब है ना, तो टॉप फेस अलग है, बॉटम फेस अलग है और मिड अलग। तो ये अपन रिजल्टेंट लेके चल रहे हैं एवरेज। आपको कंपोनेंट में क्या चाहिए, फोर्स मैक्सिमम चाहिए, मोमेंट मैक्सिमम चाहिए, फोर्स मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए। तो लेट्स से मैं मोमेंट मैक्सिमम पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी हमारे पास टैब में ऊपर क्या लिखा हुआ, अभी किलो न्यूटन मीटर पर मीटर है ना, मतलब इतना मोमेंट पर मीटर आएगा, उसकी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी, ठीक है। तो ब्लू में कितना है, सबसे ज्यादा है अराउंड 120 है, तो 120 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर हमारा यहाँ बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सिमिलरली अगर अपन कोनों में देखेंगे तो लगभग क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है मतलब रिवर्सल ऑफ बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, जीरो मतलब आप उसको कम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कोनों में हमारा रिवर्सल होगा, वैसे कोनों में हमारा जो रिवर्सल हो रहा है वहां की वैल्यूज है नहीं, तो अगर पिंक कलर मतलब कहने का मतलब अगर कहीं आ जाता है, दैट मींस रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रहा है, वहां पे आपको स्टील ऊपर भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मतलब आप नीचे दे रहे हो तो ऊपर भी देना पड़ेगा, ऊपर दे रहे हो तो नीचे भी देना पड़ेगा, सर्फेस विल बी क्वाइट एक्सचेंज सेम एज दैट इन कंटिन्यूस बीम, जैसे हम कंटिन्यूस बीम में करते हैं ना वैसे। अगर आपको फोर्स मैक्सिमम देखना तो फोर्स मैक्सिमम पे अप्लाई कर दो, देयर विल बी अ फोर्स हियर, फोर्स तो लगभग सब में सेम ही आ रहा है, ठीक है। And also we go for the V maximum, that is shear force maximum. You can check it from here, कितना किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। And just close it. और आप लोग चीजें देख सकते हो डिस्प्ले में जाके, we are having show reaction forces, show strip forces भी हमारे पास, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, then we are having bunch of other options here. अब यहाँ पे देखना ये बहुत important होने वाला, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे strip का ही force देखेंगे, जो strip होती है ना बीच में जो हमने बनाई थी। Let's say मैं load combination 1.5 DL plus LL रखता हूँ, and I want to check the component moment. स्केलिंग मतलब डायग्राम के हिसाब से स्केल होगा, बॉटम इट इज आस्किंग अबाउट डिस्प्ले ऑप्शन, डिस्प्ले कैसे कर, ठीक है। तो यू वॉन्ट टू फिल द डायग्राम और यू वॉन्ट टू शो वैल्यूज ऑन डायग्राम, तो मैं दोनों पे क्लिक करता हूँ, मैं डायग्राम भी फिल रखना चाहूंगा, मतलब कलर से फिल होगा और शो वैल्यूज और वैल्यूज भी बता देगा। आई विल हिट अप्लाई एंड वी कैन सी कि हमारा स्ट्रिप, क्योंकि हमने लेयर ए ही चूज कर रखा था, तो लेयर ए के ऊपर इसने हमको मोमेंट्स बता, ठीक है। मैक्सिमम मोमेंट आ रहा जस्ट कॉलम के फेस के पास में, देन इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टुवर्ड्स द एंड। तो आप जैसे जैसे इसके ऊपर अपना कर्सर घुमाओगे, यू कैन सी आपके पास हर पॉइंट पे आपको इसकी मोमेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज जैसे यहाँ पे 18.73 किलो न्यूटन मीटर, और अगर आप कोने पे जाओगे दैट इज अराउंड 70.603। कॉलम के नीचे थोड़ा कम है, फिर देन अगेन एजेस पे क्या है ज्यादा है, ऑब्वियसली वहां पे पंच करने की कोशिश करेगा, तो पास वाले एरिया पे क्या होगा मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ कैंटिलीवर टाइप सिस्टम यू कैन से ना, तो वैसा कैंटिलीवर टाइप ही है, सपोर्ट पे मोमेंट ज्यादा रहेगा, फ्री पे लगभग जीरो के। अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज खुल देगा, ठीक है ना। तो आप इस पे ऐसे जब भी कर्सर आपको देखना हो देख सकते हो। लेट्स से मैं लेयर ए लेयर बी दोनों के लिए देखना चाहता हूँ, तो मैं लेयर ए लेयर बी दोनों को सेलेक्ट रखूंगा और फिर मैं अप्लाई कर दूंगा, तो मैं दोनों तरफ देख सकता हूँ, ठीक है ना, दोनों तरफ जो भी मूवमेंट चाहिए, क्योंकि हमारी ज्योमेट्री आपने देखी थी पूरी सिमेट्रिक थी, है ना, कॉलम बीच में था और जो फुटिंग थी वो 2.5 by 2.5 की थी, तो इट वाज काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, थ्रू आउट यूनिफॉर्म था, तो हमारा मूवमेंट्स और शेयर फोर्स भी क्या हुए एकदम यूनिफॉर्म, इधर भी 70.9 इधर भी 70। सेम गोज विद द शेयर फोर्स, अगर मैं शेयर फोर्स पे अप्लाई करता हूँ मुझे शेयर फोर्सेस बता देगा, ठीक है ना, कैसे रखने क्या है। टॉर्जन देखना तो टॉर्जन कर सकते हो, ठीक है। एक्सियल फोर्सेस देखना चाहते थे, एक्सियल फोर्सेस रहेंगे नहीं, ठीक है। टॉर्जन पे क्लिक करेंगे तो अपन लोग टॉर्जन देख सकते हैं कि हाउ इज टॉर्जन। अब टॉर्जन भी हमारा थोड़ा कम ही रहता है, आप लोग देख सकते हो बहुत कम आ रहा है, 1.97 × 10⁻¹, ठीक है। तो टॉर्जन यहाँ हमारा कुछ काम नहीं करने वाला, एक्सियल फोर्सेस हमारे पास जनरेट होंगे नहीं, क्योंकि उसकी वजह से हमारा शेयर फोर्स जनरेट हो रहा है वैसे भी। तो हम लोग शेयर फोर्सेस और मूवमेंट का वेरिएशन देखते हैं, ठीक है ना, ये ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ओके। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो, एनालिसिस के रिजल्ट देख सकते, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनालिसिस, नेक्स्ट हम लोग डिजाइन चालू करेंगे, ठीक है ना।